योग गुरु स्वामी रामदेव ने आज कोरोना की दवा लॉन्च कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रामदेव का कहना है कि पतंजलि की लैब में ऐसी आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है जिसका 100% रिजल्ट सामने आया है। रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने कोरोना किट को लॉन्च किया, नाम रखा है कोरोनिल। इसके बाद से ही भारत का भोपू मीडिया रामदेव के कोरोनिल किट के नाम का ढोल बजाने लगा। दिन भर रामदेव अलग अलग चैनलों पर लाइव आकर बताते रहे कि कैसे करीब 500 रुपए की ये कोरोना किट बीमारी को जड़ से मिटा देगी, लेकिन मीडिया को महीने में करोड़ों रुपए के विज्ञापन देने वाली पतंजलि कंपनी को आयुष मंत्रालय की ओर से बड़ा झटका लगा। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को साफ साफ कह दिया कि जब तक इस दवाई की जांच नहीं हो जाती तब तक इसका विज्ञापन ना किया जाए। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड द्वारा कोरोना की दवा खोजने की खबरों का संज्ञान लिया है। इस दवा और कोरोना के इलाज के दावों के बारे में मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। पतंजलि को कहा गया है कि वो ये बताए कि दवा किन चीजों से बनाई गई है, किस अस्पताल या लैब में इस पर रिसर्च किया गया है, टेस्ट का सैंपल साइज क्या था और टेस्टिंग का परिणाम क्या था, तब तक इस दवा का विज्ञापन ना किया जाए। आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार की ओर से दिए गए लाइसेंस की कॉपी भी मांगी है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब आयुष मंत्रालय को इस दवा के बारे में कोई खबर ही नहीं है तो रामदेव ने इसे बाजार में क्यों उतारा? कोरोना काल में हर कोई परेशान है, ऐसे में इस दवा को लॉन्च कर लोगों में भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, मासिक मेंबरशिप लेकर द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।